Big plan, but I'm not sleep and I need long run. I'm me worry not. You like help me now, mister. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। अभी आपने जो फुटेज देखी है वो पपुआ नई गिनी से आ रही है। पपुआ नई गिनी में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ये वही देश है जो कुछ टाइम पहले फेमस हुआ था कि जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट की थी वहां पे, और उनके पीएम जेम्स मरापे ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमारे पीएम के पैर छुए थे। लैंडस्लाइड के कारण उनके एक रिमोट विलेज काओ कलाम, जो कि उनके कैपिटल पोर्ट मॉर्सबी से 600 किलोमीटर दूर है, वहां सुबह 3 बजे ऐसा हादसा हुआ। डिब्रीज बताई जा रही हैं 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ पपुआ नई गिनी नेशनल डिजास्टर सेंटर लुसेटा लासो माना कहते हैं कि लैंडस्लाइड में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए और एंगा प्रोविंस के जंबाली गांव में ये बड़ी तबाही मची। सरकार द्वारा मृतकों की संख्या यूनाइटेड नेशन द्वारा 670 लोगों के अनुमान से लगभग 3 गुनी है। अब तक केवल 6 लोगों के अवशेष बरामद किए गए। दिक्कत यह है कि पहुंचने में कठिनाई और इतने सारे लोग दफन हो गए हैं कि आबादी बेचैन है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि कैसे वो सब लोग रो रहे हैं और भीड़ लगा के खड़े हैं। कम से कम 4000 की आबादी वाला यह गांव पपुआ नई गिनी एक एंगा प्रांत के एक पहाड़ी और जंगली हिस्से में है। ये पोरगेरा टाउन के पास स्थित है जहां अरबों डॉलर का सोना निकला है, बट इश्यू है सिक्योरिटी का एंड अब्यूज भी है वहां पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हादसे का इससे क्या रिलेशन है। आपको बता दें कि कुछ जगह माइनिंग तो प्रॉपर होती है, बट काफी जगह माइनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। 18 मई को यहाँ पर भूकंप आया था, उसके बाद भी इररेगुलर तरीके से एनवायरनमेंट की जो नॉर्म्स होते हैं उनको ना फॉलो करते हुए यहाँ पे माइनिंग होती जा रही। उसके बाद क्या है कि बारिश आ गई और सिचुएशन और ख़राब हो गई, बट माइनिंग नहीं रोकी गई एंड बाद में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दें कि डिब्रीज 20 से 26 फीट तक कवर्ड है, जिसके कारण आसान नहीं होगा लोगों को निकालना। सरहान एक्टोप्रैक, द चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी मिशन इन पपुआ नई गिनी कहते हैं कि सर्वाइवर्स हैव बीन हेजिटेंट टू अलाउ हैवी मशीनरी टू बी यूज्ड, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके रिलेटिव्स की बॉडीज को कोई हार्म। एक्टोप्रैक कहते हैं कि सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि डिब्रीज में पानी भी भर रहा है जो कि 3 तरफ से स्ट्रीम्स है वहां से आ रहा है, जिसके कारण माना जा रहा है कि लैंडस्लाइड और हो सकती है और ये डेंजरस रहेगा अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। द विलेज इज नियर अ रिवर बट रेजिडेंट्स हैड रिलाइड ऑन द 3 स्ट्रीम बरीड बाय द लैंडस्लाइड फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर। पोरगेरा यंबाली से आगे हाईवे पर स्थित अन्य कस्बे यानी टाउन्स अभी कट गए और केवल हेलीकॉप्टर से ही वहां पहुंचा जा सकता है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि उन लोगों को कोई सहायता मिली है या नहीं मिली है। पपुआ नई गिनी की सरकार ने औपचारिक रूप से अधिक इंटरनेशनल हेल्प की मांग की है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इस कंट्री की देखते हुए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो उन्हें तुरंत हेल्प रेंडर करनी चाहिए। सिंस ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी था पास्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया इसकी हेल्प ऑलरेडी कर रही है क्योंकि उनके रिलेशन भी अच्छे हैं, बट यूएसए की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं आई। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी $1 मिलियन की हेल्प एक्सटेंड की है।
बात यहां तक नहीं खत्म होती है, सेकेंड लैंडस्लाइड की भी वार्निंग आ गई है और डिजीज आउटब्रेक की वार्निंग भी इशू कर दी गई है। आई होप कि अब और ज्यादा नुकसान ना हो वहां के लोगों का। पूरे इंडिया की तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि और क्या किया जा सकता है। क्या माइनिंग को वहां पर अब रेगुलराइज करने का टाइम आ चुका है? दिस इज डिस्ट्रक्शन नेचुरल कैटास्ट्रोफी दैट टुक प्लेस लास्ट नाइट एट 3:00 AM इन द मॉर्निंग। एवरीवन वर फास्ट अस्लीप नॉट नोइंग दैट एनीथिंग कुड टुक प्लेस एंड दे वर फास्ट अस्लीप एंड ऑल ऑफ अ सडन नेचुरल कैटास्ट्रोफी टुक प्लेस एंड The place was covered by rocks, as you can see. There are more than 300 lives have been covered. Food gardens, the people, the properties worth more than millions guineas have been lost, covered by all these things here, as you can see. This is a landslide that took place last night at 3:00. As you can see, it started right there on top of the mountain. And these are the boys, local boys here. Right now, they are watching what is going on the ground. Till then, stay tuned to your channel, Gurukul IAS. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.